सकते हैं कि जो नीट के जो नए पिटीशन थे 3 सितंबर को यहाँ पे जो पिटीशन यहाँ फाइल किया गया था, वो पिटीशन यहाँ पे कल यहाँ पे लिस्टेड होगा, यानी कि 7 सितंबर को लिस्टेड होगा। और लिस्टेड होने के बाद जो उसका हियरिंग का डेट है, आप सब जानते होंगे कि हियरिंग 9 सितंबर को होने वाली है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एडवोकेट अलक श्रीवास्तव जी ने यहाँ पे एक लेटर लिखा है जो एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक जी को है। इसमें बताया गया है कि इंक्रीज करने के लिए, मतलब एक सजेशन दिया गया है कि जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट है जेई एडवांस के लिए, उसे किया जाए। क्योंकि अभी देखिए तो जो छात्रों का प्रेजेंटेशन है यहाँ पे कह सकते हैं प्रेजेंटी है भी बहुत कम है, देख सकते हैं अभी हमने आपको दिखाया जेई मेंस को लेकर के, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसी बात इनके द्वारा कही गई है। और यहाँ पे जो एक खास बात है कि ये अच्छी, मतलब इनके द्वारा एक अच्छा कदम उठाया गया है। अगर ऐसा फैसला यहाँ पे रमेश पोखरियाल जी द्वारा लिया जाता है कि एक जो आपके जो जेई एडवांस के जो अटैम्प्ट है उसे इंक्रीज किया जाए, तो ये अच्छी खबर होगी छात्रों के लिए जिनको अभी मौका नहीं मिल पाया है। और फ्रेंड्स, वेलकम इन ऑल अबाउट एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। फ्रेंड्स, अभी आपको पता होगा कि सीटेट का न्यू एग्ज़ाम डेट आना है, लेकिन अभी सीबीएसई के द्वारा कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन अभी तक ऑफिशियल साइट पर नहीं दिया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, अभी एक बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट सीबीएसई की तरफ से आई हुई है, जब जबकि आपको पता होगा कि लगातार यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे टीचर्स और बड़े बड़े यूट्यूबर्स अभी सीटेट एग्ज़ाम डेट को लेकर के हैशटैग यूज करके ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पे। अगर आप अभी तक ट्विटर हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर आप भी ट्वीट यूज कीजिए, और ट्वीट आप ऊपर देख सकते हैं हैशटैग सीटेट एग्ज़ाम डेट, ये हैशटैग चल रहा है अभी। और ये कह सकते हैं अभी इस पर लाखों में, अभी मिलियंस में तो नहीं लेकिन लाखों में ट्वीट इस पर अभी हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार छात्रों के द्वारा, चाहे वो यूपी के न्यू पीआईटी वैकेंसी के लिए हो या फिर देख सकते हैं सीटेट एग्ज़ाम डेट को लेकर के हो, ये दोनों हैशटैग यहाँ पे ये चलाया जा रहा है कल से लेकर के, और ये अभी भी यहाँ पे कह सकते हैं ये चलाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर आप यूज कीजिए। लेकिन इस हैशटैग को देखते हुए अभी अभी सीबीएसई ने एक यहाँ पे ट्वीट किया है, और ट्वीट में एग्ज़ाम डेट के बारे में कहा है, उसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। खुद सीबीएसई के जो ट्वीट है उसे देखते हैं, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट बात सीबीएसई के द्वारा कहा गया है। यहाँ पे हाफ एन आवर पहले का ये ट्वीट है, लेकिन इसके बाद एक और ट्वीट अभी अभी यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा किया गया है, तो पहले इसे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं द नेक्स्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड व्हेन सिचुएशन इज मोर कंड्यूसिव फॉर कंडक्ट द एग्जामिनेशन। फॉर एनी अपडेट यू मे विजिट सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। लगातार यहाँ पे जब ट्वीट किया गया तब सीबीएसई ने ये यहाँ पे एक ट्वीट करके ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि हम सीटेट के एग्ज़ाम को तभी डिक्लेयर करेंगे जब सिचुएशंस अच्छे तरह से यहाँ पे कंड्यूसिव मैटर में चलने लगे, कंड्यूसिव सिचुएशंस में आ जाएगा सिचुएशन, तब हम सीटेट के एग्ज़ाम के डेट को डिक्लेयर करेंगे। यानी फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि अभी सीबीएसई कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम को लेकर के अभी जो प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं सीबीएसई के द्वारा ये क्या कहा जा रहा है कि कंड्यूसिव यहाँ पे जब सिचुएशंस आ जाएगा तब एग्ज़ाम डेट दिया जाएगा। जबकि आपको पता होगा कि सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम या फिर नीट और जेई एग्ज़ाम लेने के लिए ये लोग तत्पर है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी अभी एक और ट्वीट यहाँ पे इसके द्वारा किया गया है, और देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी अभी यहाँ पे जो ट्वीट किया गया है, 9 मिनट पहले द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी कंडक्टेड बाय द बोर्ड फ्रॉम जो बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया गया था 28 से 31 जनवरी जो फिर अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस के अंडर पे, उसका यहाँ पे रिजल्ट इन लोगों के द्वारा बहुत जल्द यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसका जो है रिजल्ट बहुत जल्द यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल सीबीएसई वेबसाइट फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, और सीबीएसई के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए यहाँ पे जो सीबीएसई की वेबसाइट को विजिट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे कह सकते हैं जो लगातार यहाँ पे बड़े बड़े टीचर्स और यूट्यूबर के द्वारा जो यहाँ पे आंदोलन चलाया जा रहा है सीटेट एग्ज़ाम के डेट को डिक्लेयर करने के लिए, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आपको 1 से 2 दिन में एक खुशखबरी देखने मिलेगा। क्योंकि अभी देखें तो 10 तारीख को सिर्फ कंपार्टमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फाइनल डिसीजन होने वाला है, और अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो भी डिसीजन देता है उसके यहाँ पे अनुसार सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट कराएगा, उसके बाद तुरंत डेट यहाँ पे जरूर आपका सीटेट के एग्ज़ाम को डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन हमें आशा है कि उतना हमें वेट करने की, 3-4 दिन वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 से 2 दिन में यहाँ पे सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई अब यहाँ पे लगातार रिप्लाई कर रहा है, सवाल जवाब कर रहा है। तो अभी देख सकते हैं लगातार यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा यहाँ पे ट्वीट किया जा रहा है, और ये देख सकते हैं ये आज का ट्वीट है, और 9 मिनट पहले का ट्वीट यहाँ पे किया गया, और इसके पहले भी देखिएगा तो सीबीएसई
HQ यहाँ पे आपको @CBSEHQ करके आपको ट्विटर पे खोजना होगा, वहाँ पे देखिएगा तो लगातार यहाँ पे CBSE अभी जागरूकता दिखा रहा है और लगातार छात्रों के रिप्लाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसके माध्यम से कह सकते हैं कि सीटेट, जैसे कि पहले ही मनोज अनुजा जी के द्वारा कहा गया था कि प्रिपरेशन है सब अच्छी तरह से, एग्ज़ाम बस कंडक्ट कराया जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि केवल और केवल हम लोग CBSE कंपार्टमेंट को लेकर के रुके हुए हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आशा करते हैं कि 1 से 2 दिन में आपको ऑफिशियल नोटिस दे दिया जाएगा और या फिर ट्विटर हैंडल के माध्यम से CBSE अब यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन देगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस चैनल पे बने रहें, जैसे इन्फॉर्मेशन आता है हम आपके साथ तुरंत शेयर करने का काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मास ट्वीट करने का काम आप लोग कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।